का शुरू हो चुका है, मैच की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जो आईटीबीपी और डेक्टोरेट को बना के रखे हुए हैं की टीमों के बीच, लाइन से दूर बैठे एक एक मैच छोड़ दोनों बहुत बड़ी टीमें हैं और बहुत ही रोमांचक शानदार मैच खेले जाने की पूरी उम्मीद है। आईटीबीपी की रेड है 7 नंबर खिलाड़ी रेड पर रिप्रेजेंट कर चुका मलिक साहब, रेड डाल रहे हैं। शानदार खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी है, चमकदार खिलाड़ी है, क्लेम डाला है और उस क्लेम में कितनी 26 आउट किया है एक नंबर खिलाड़ी को, पूरी जान है उस क्लेम में, एक्सेप्ट किया एक नंबर के खिलाड़ी ने कि हाँ टच हुआ है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अगर आउट होने वाले खिलाड़ी को ऑर्डर दिखाओ प्लीज। अब रेड पर है 10 नंबर खिलाड़ी, ना बैठे तो रेफरी साहब को सीआरपीएफ के, और फिर भी ना बैठे तो फिर काट दो, फिर भी ना बैठे तो कारण पूछो, कारण पूछो भाई क्या दिक्कत है। एम्प्टी रेड थी, होना भी जरूरी, 3 नंबर का रेडर आई टी बी का शानदार रेडर आई टूर्नामेंट में शुरुआत से ही बहुत बेहतरीन रेड दिखाई उन्होंने, 3-3, 4-4 सुपर रेड, कई सारी रेड उन्होंने दिखाई जो बड़ी बड़ी रेड थी। अब बड़ा मैच है, दोनों फोर्स की टीमें हैं और आने वाले समय में अगले महीने पुलिस गेम भी होने वाले हैं। अच्छा अटेम्प्ट था, डुबकी लगा के, जगह बहुत कम थी लेकिन एक छोटी भी डुबकी लगाने की कोशिश की थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए और आउट होकर बाहर जाते हुए। अगली रेड सीआरपीएफ की तरफ से, आने वाले समय में पुलिस मीट भी होने वाली है, दोनों टीमें वहां भी खेलेंगी। यहाँ इनके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस का समय मिल गया, इनको मैच प्रैक्टिस टूर्नामेंट प्रैक्टिस इनको मिल गई। रेड पर है 7 नंबर खिलाड़ी, बड़ा मैच, एक पॉइंट मिला है सीआरपीएफ को। तेरा नंबर खिलाड़ी है अब सीआरपीएफ की तरफ से रेड पर, और 13 नंबर खिलाड़ी को पकड़ लिया है आईटीबीपी के खिलाड़ियों ने, एक पॉइंट और मिला है आईटीबीपी के टीम को, और 3 नंबर खिलाड़ी आईटीबीपी की टीम के रेड पर है। हेलो हेलो, एम्प्टी रेड था और अब 9 नंबर खिलाड़ी सीआरपीएफ के रेड पर जा रहे हैं। ये फाइनल जो मैच है बहुत ही बढ़िया होगा और इन दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होगी और ये लगकर मैच होगा जरूर, नेक टू नेक दोनों टीमें जीतने के लिए आखिरी टाइम तक प्रयास करेंगे। ये इनके लिए एक वार्म अप मैच है, आने वाले समय में बहुत बड़े इवेंट है इनके लिए और आज यहाँ पता चलेगा किसमें कितना है। पकड़ लिया था 9 नंबर खिलाड़ी जो है सीआरपीएफ के और एक और पॉइंट मिला है, बढ़िया पकड़ और एक और अंतर जीत किया आईटीबीपी की टीम को और अब रेड पर जा रहे हैं 7 नंबर खिलाड़ी लेवल के प्लेयर आईटीबीपी, बहुत बढ़िया, जो दिल्ली की तरफ से कई बार नेशनल खेल चुके हैं। बहुत शानदार रेट थी पिछले वाली, इसको सुपर रेट हो सकती थी लेकिन सुपर टैकल सा बना दिया उसको, क्योंकि इस गांव के 4-5 लोग उससे कूदे थे, पॉइंट तो एक ही मिला लेकिन टैकल बहुत शानदार था वो, बिल्कुल लाइन के क्लोज जाके 25, 26, 27, 28, 29 आईटीबीपी की रेट पर है सीआरपीएफ, ड्यूरासेल डाले हुए सर ने घड़ी में तेज चलती हो, 10 नंबर खिलाड़ी बढ़िया मजेदार चलता हुआ, 12 नंबर खिलाड़ी को आउट किया है आईटीबीपी के और पॉइंट मिल गए एक और सीआरपीएफ का, कबड्डी रेड पर आए थर्ड रेड, 3 नंबर खिलाड़ी दो डाई रेड है आईटीबीपी की ओर से, 3 नंबर का खिलाड़ी से 1.2 आईटीबीपी दो डाई रेड में पॉइंट लेके लौटे हैं
तीन नंबर की खिलाड़ी आईटीबीपी के लिए। 13 नंबर खिलाड़ी रेड पर है। हेलो, किसी भाई की चाबी गिर गई है गाड़ी की, एक बार अपनी पॉकेट चेक कर ले अगर किसी की गाड़ी की चाबी गुम हुई है। स्कॉर्पियो की चाबी है, स्कॉर्पियो की है? ये तो बहुत देर की गाड़ी हुई है, ये पहले पता होती तो अनाउंसमेंट ही ना होती। ये तेल चेक कर लेना साहब। हाँ, घूम के आइए गाड़ी थोड़ी देर में, अनाउंसमेंट कर दी 3 घंटे पहले, कोई आया नहीं तो घुमा घूमो के दोबारा खड़ी कर दी वहीं। बढ़िया मैच चलता हुआ, बीच बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्कोर भी बोलते रहे ऑफिशियल जो टेबल से। पच्चीस 26 27 28 29 बैठा के रहता होंगे प्लेयर जो है खड़ा रहे। स्कोर स्कोर 5-3 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दो खिलाड़ियों का आउट दिया गया है। नंबर 3 6 आउट, 2 अंकर जिनके सीआरपीएफ के रेडर ने सुबह बैठा आते रहो सीक्वेंस वाइज जिसका सीक्वेंस है, और बता भी दिया करो पहले कौन आउट है बाद में जो उनसे पता रहे, रॉन्ग रिवाइवल ना हो। रेडर सीआरपीएफ का बहुत बेहतरीन रेडर, आसानी से रेट डालते हुए पूरा टाइम लेते हुए और ऑफिस अपने कोर्ट में एम्प्टी रेड के साथ। एक बार फिर आईटीबीपी के 7 नंबर खिलाड़ी डोर डाई रेड है आईटीबीपी के लिए। थर्ड रेड है, डोर डाई रेड है, मेन रेडर आईटीबीपी का रेड डालने का है। ये खिलाड़ी पटना पायरेट्स के लिए खेल चुके हैं, 7 नंबर आईटीबीपी के मलिक, यहाँ पे कटक हुआ है बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैनशिप। 1 पॉइंट मिला आईटीबीपी को दिखाते हुए, और अब रेड पर है 2 नंबर खिलाड़ी सीआरपीएफ के। मैच देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स के, इस बात को प्लीज बहुत ध्यान से देखें। कई बार हम लोग आपके कस्बे खाने लग जाते हैं और दुहाई देने लग जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से अब तक इन दोनों टीमों ने डिसिप्लिन दिखाया वो डिसिप्लिन सब टीमों में बहुत जल्दी हमें देखने को मिले, इस बात की उम्मीद करती है कमेटी। बहुत बेहतरीन खेलियां दिखाते हुए, शानदार रेट दिखाते हुए बोनस पॉइंट लेके गया। बोनस पॉइंट मिला है 9 नंबर खिलाड़ी सीआरपीएफ को, और अब रेट पर है आईटीबीपी के 3 नंबर खिलाड़ी सुधीर फोगाट जी, जिनको बदली वाले के नाम से जाना जाता है, वो हमारे बीच आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है उनका, सुधीर फोगाट जी का। मैंने पूछा अमर भाई से कि बर्फी नंबर बिना बर्फी के, तो बोले बिना बर्फी के। 13 नंबर खिलाड़ी है ब्रेड पर सीआरपीएफ के, और पिछले रेड में बोनस पॉइंट मिला था आईटीबीपी के खिलाड़ी को। और 1 पॉइंट मिला है सीआरपीएफ को, और फिर 7 नंबर खिलाड़ी मलिक रेड पर हैं आईटीबीपी के लिए। और बहुत अच्छी डाइव लगाई, लंबे कद का प्लेयर जर्सी नंबर 7 का विजय मलिक है, आईटीबीपी का बहुत बढ़िया प्लेयर
और रेड पर सीआरपीएफ के लिए उतना ही अच्छा प्रदर्शन, दोनों टीमों में बहुत बढ़िया प्लेयर है, पर जो छोटी मोटी गलती है उन्हीं का फायदा उठाएंगे दोनों प्लेयर जो है। और रेडर का क्लेम तो टच का नंबर खिलाड़ी ऊपर ना खुश आ रहे हैं रेड पर। दोनों टीमों के बीच ये बहुत बढ़िया मैच, बहुत बढ़िया ट्राई और नाकाम रहे रेडर। और इस तरह का टूर्नामेंट जो है पहली बार इस गांव में देखने को मिल रहा है यहां के लोगों के लिए। और इसका सारा श्रेय जो है दिल्ली स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री निरंजन सिंह और उनकी टीम को जाता है कि उन्होंने यहां इस तरह का टूर्नामेंट कराया और कराने का मौका दिया। यहां पर इस तरह का टूर्नामेंट जो आज देखने को मिल रहा है डेफिनेटली आने वाले समय में यहां के बच्चे जरूर और ज्यादा उत्साह के साथ कबड्डी खेलेंगे और इस तरह के टूर्नामेंट इवेंट कराते रहेंगे जिससे कि यहां की कबड्डी भी पनपे और यहां के भी बच्चे आगे निकले। YouTube चैनल जो है हमारे जिन पे आप बाद में वीडियोस देख सकते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप RKY, इसको राजकुमार यादव जी मैनेज कर रहे हैं। 5-स्टार कबड्डी हरियाणा और हरियाणा कुश्ती दंगल जिसको जसवीर मलिक जी और सुषपाल दलाल जी मैनेज कर रहे हैं। इतने ऊपर कहां पकड़ोगी, 6 फुट से भी ऊपर का प्लेयर है कहां पकड़ पाओगे उसको। 13 नंबर खिलाड़ी सीआरपीएफ जर्सी नंबर 13 सीआरपीएफ का रेडर और 2 और 2 रेड पर बोनस पॉइंट मिल गया है। बहुत ही कॉन्फिडेंट वर्कर 2 और 2 में कई बार जो है रेडर जो है बोनस की पॉइंट पे आता है और रेफरी की विसिल बजती है रेडर आउट। बट रेडर यहां बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ वापस आया बोनस लेकर और अपनी 2 और 2 रेड को सक्सेस किया। बहुत शानदार दो पॉइंट दिए गए हैं, 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। डिस्कस करके आपस में बात कर ले, आपस में बात कर ले। आप सारे ना बोले, ITBP के प्लेयर ये सारे ना बोले हैं। एक रेडर है क्लेम करने के लिए, दो खिलाड़ी आउट दिए गए हैं सीआरपीएफ के और इस बीच टाइम आउट आया है ITBP का। ये दर्शक हैं जो इस मैच को देखने के लिए आए हुए हैं, बहुत भारी संख्या में दर्शक आए हुए हैं यहां पर। आप देख सकते हैं मैदान के चारों तरफ दर्शक हैं और ये ऑफिशियल टेबल है जहां से कि इस प्रतियोगिता का संचालन किया जा रहा है, कमेंट्री करी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद YouTube चैनल का जो, और ये सब भी दर्शक हैं। क्या नाम बताएं YouTube चैनल का? 3 YouTube चैनल है, स्पोर्ट्स राउंड अप RKY जिसको राजकुमार जी मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा तो हमारे 2 और है जो आ जाए हैं, जो कैमरे लगा सीधे आपको वो भी बात दिखाएंगे। 5-स्टार कबड्डी हरियाणा और हरियाणा कुश्ती दंगल जसवीर मलिक जी और सुषपाल दलाल जी मैनेज कर रहे हैं। ओके वेरी गुड। ये 13 नंबर खिलाड़ी सीआरपीएफ के जमुना पार वाले थोड़ी करेंगे सारे, थोड़े मसूद वाले भी तो करेंगे। और ये एम्पायर नंबर 9 को ग्रीन कार्ड दिखाया ड्यूरिंग दैट नो कोचिंग। आप जो
किसी भी प्रकार की आप हेल्प नहीं कर सकते। हमने रेड रिसीव जब वो रेड डाल रहे हैं, सात नंबर खिलाड़ी आईटीबीपी के, अगर इस तरह की गलती बार बार होती है तो आपके अगेंस्ट टेक्निकल भी बन सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो इस तरह का ध्यान रखें। बहुत बढ़िया मैच, दोनों बड़े डिसिप्लिन की टीम और दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर। हार जीत जो होगी वो बहुत ही कम मार्जिन की होगी, जो भी टीम हारेगी। और दोनों टीम एम्प्टी रेड, कोई स्कोर में हो गए, कोई बोनस पॉइंट नहीं। 11-9 इन फेवर ऑफ आईटीबीपी, सीआरपीएफ के 11-9 का स्कोर और 2 पॉइंट की बढ़त आईटीबीपी की। कैच कर दिया है, तुरंत उन्होंने एंकल होल्ड डाला और सपोर्ट डाला, बहुत शानदार कैच। 9 नंबर खिलाड़ी को आईटीबीपी के खिलाड़ियों ने, और एक और पॉइंट मिल गया है आईटीबीपी को। किसको दिया? 5 नंबर को, 5 नंबर खिलाड़ी को, कैप्टन को। अच्छा, कैप्टन को ग्रीन कार्ड दिखाया है। सिंगल गाइडेंस होनी चाहिए, एक तरफ से कंट्रोल होना चाहिए, सब कंट्रोल नहीं कर सकते। रेफरी साहब ने ग्रीन कार्ड दिखाया है 5 नंबर खिलाड़ी को। ऑन है, 3 रेडर हैं सीआरपीएफ के और आईटीबीपी के, 3 डिफेंडर हैं सीआरपीएफ के, आईटीबीपी का रेडर रेड पे। सुपर टैकल ऑन और बहुत बढ़िया, और ये 3+2 5 पॉइंट और 5 पॉइंट मिल गए हैं। और पहला लोना लगाया है और ये आईटीबीपी की टीम ने बेहतरीन 5 पॉइंट कह सकते हैं कि सुपर 8+2 पॉइंट होने के मिले, 3+2 5 पॉइंट लेके गए आईटीबीपी के रेडर। अंकित ध्यान रखें, बड़ी बे केयरफुल केयरफुल होके जॉब करें अपने। 3 नंबर खिलाड़ी आईटीबीपी के लिए शानदार टीम है दोनों, बहुत तगड़ा डिसिप्लिन दिखाया पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने, उनकी कोचिंग ने, मजा आता है देखकर। आप जितने ही अव्वल दर्जे के खिलाड़ी और उतना ही आपका अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस और फिर उतना ही अव्वल दर्जे का आपका फेयर प्ले, ये सब जुड़ती हैं तभी आपको बड़ा खिलाड़ी बनाती हैं। और यही कारण है कि आप लोग फोर्स में भी हैं और बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे अपने अपने स्टेट्स को कई बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बड़ा अच्छा लगता है सब देखकर। रेड आउट, 30 सेकेंड इज ओवर, रेड आउट, रेडर के 30 सेकेंड ओवर हो गए थे पर, और उधर से अनाउंसमेंट नहीं सुनी और पॉइंट गया, और एक पॉइंट गया सीआरपीएफ को, आईटीबीपी के रेडर ने, और एक अंक मिला सीआरपीएफ को। ये नंबर खिलाड़ी सीआरपीएफ के रेडर पॉइंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या स्किलफुल टैकल था ये बेस्ट होल्ड का। टैक दिखाते ही जो हम ट्रेनिंग सेशन में सिखाते हैं कि हिसाब से हम 1-2-3-4 के काउंट में जब पैक दिखाते, जो नए प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि हिसाब से जो कॉर्नर आके बेस होल्ड करता है, और यही बिल्कुल एकदम ट्रेनिंग पॉइंट दिखाया खिलाड़ी ने, कॉर्नर ने, शानदार नए खिलाड़ी के लिए सीखने के लिए बहुत उमदा मैच था ये। 12 नंबर को बहुत धन्यवाद देती है पब्लिक इतना बढ़िया टैकल दिखाने के लिए। और फिर से 6 का डिफेंस है यहाँ, बोनस ऑन है, टेक क्लेम तो है, दोनों आपस में बात करते हुए उसके बाद देखना है कि क्या रिजल्ट रहेगा। एम्प्टी रेट, एम्प्टी रेट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभी पॉइंट का लेकर भी पूछना चाहिए कि आप सेफ अपने पाले में पहुंचे। और ये पूरा भरकर अटैक मारा जर्सी नंबर 9, और एक टच पॉइंट लिया अपनी टीम के लिए, एक पॉइंट मिला है सीआरपीएफ को। और ये टाइम आउट सीआरपीएफ के कोच के द्वारा, सीआरपीएफ के कोच साहब द्वारा। ये सभी दर्शक गण हैं जो कि इस मैच को देखने के लिए आए, यहाँ पर दिल्ली ओलंपिक को देखने के लिए जो आए हैं ये सभी दर्शक गण हैं। जर्सी नंबर 3 सरेंडर आईटीबीपी का, बड़ी चुस्ती और फुर्ती के साथ
ट्रेड करते हुए आईटीबीटी का बहुत बढ़िया रेडर ये। और अब रेड पर है 9 नंबर खिलाड़ी सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ जर्सी नंबर 9, ये भी बहुत बढ़िया रेडर। और ये पकड़ नहीं पाए सीआरपीएफ के 9 नंबर खिलाड़ी को। और देखना है कितने खिलाड़ी आउट दिए जाते हैं आईटीबीटी के। बोनस प्लस 2 पॉइंट, बोनस प्लस 2 पॉइंट दिए गए सीआरपीएफ को। सुखराम एमपी रेड थी। अब रेड पर जा रहे हैं 9 नंबर खिलाड़ी दोबारा सीआरपीएफ के ही। हाफ टाइम हो गया है, अब कोर्ट चेंज होंगे। हाफ टाइम का स्कोर कितना हो गया? 14-18 इन फेवर आईटीबीपी। दोबारा बोलो। और ये सब दर्शकगण खड़े हैं यहाँ पर 14-18 फेवर ऑफ आईटीबीपी। मैच देखने के लिए आए हैं, ये ऑफिशियल टेबल है। ये सभी दर्शकगण खड़े हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हैं। ये सभी दर्शक हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। बहुत भारी संख्या में दर्शक आए हुए हैं यहाँ पे। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सतीश शरावत जी से, अरुणूप जी से एक बार स्टेज पे आ जाएं। सतीश शरावत जी और अरुणूप जी, हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है, भारी संख्या में दर्शक हैं। बंटी और विपिन साथ में, अमर भाई और सिद्धि भाई आ जाएं एक बार। सतीश जी का और अरुणूप जी का एक ऑफिशियल आप जो स्वागत कड़ी में आगे बढ़ाओ। दिल्ली ओलंपिक का संचालन किया जा रहा है, कमेंट्री भी यहीं से की जा रही है। जोगिंदर प्रसाद जी आ जाए एक बार। जोगिंदर प्रसाद जी से रिक्वेस्ट है एक बार स्टेज की तरफ आ जाए प्लीज। फर्स्ट हाफ हो चुका है, फर्स्ट हाफ के बाद स्कोर है 18-14 का इन फेवर ऑफ आईटीबीपी। कड़ा मुकाबला है, टक्कर की दोनों टीमें हैं, उसी हिसाब से प्रदर्शन भी दिखा रही हैं। जोगिंदर प्रसाद जी एक बार स्टेज की तरफ आ जाए, आपसे निवेदन है। जोगिंदर प्रसाद जी